बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। हमारे आज के टॉपिक कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से एक ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है। हम लोगों ने उसमें जो ब्रीफली डिस्कस की है, जिस मेटल को डिस्कस किया ब्रीफली के किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं उसको ओर में से, वो थी आयरन के आयरन ऑक्साइड या जो ओर ऑफ आयरन होता है वो आपके पास क्या होता है, हेमाटाइट। हेमाटाइट में से हमने किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ किया था। रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास कौन कौन से थे, कार्बन मोनोऑक्साइड थी, कार्बन या कोक ये यूज़ करते हुए हम लोगों ने किस तरह से आयरन ओर में से आयरन को एक्सट्रैक्ट करवाया था। फिर आगे हमने फर्दर बताया था कि जो आपके पास लेड है, जिंक है या कोई भी ऐसी मेटल है उसको उसके ओर में से किस तरह से एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सबसे पहले स्टार्ट करना है सेल्स को, कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करने से पहले या उनको ब्रीफली डिस्कस करने से पहले हम लोग जो छोटे छोटे उसके पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, क्योंकि हम जब वहाँ पे यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है। सबसे पहले तो देखना कि हमें जब तक ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है या इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, तो हमें क्या पता चलेगा कि सेल में इलेक्ट्रोड का काम क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, ये किस तरह से वर्किंग कर रहा है। तो ये सारी की सारी जानने से पहले हमें उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या है, द सब्सटेंस विच अंडरगो पार्शियल आर कंप्लीट डिसोसिएशन इनटू आयंस इन सॉल्यूशन। यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जब किसी भी सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो उसके उसको पार्शियली जो होता है वो डिसोसिएशन हो जाता है आयंस में, और जिसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। वो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन भी हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन भी हो सकता है, HCl सॉल्यूशन भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी हो सकता है। यानी कि जब आप उसको पानी में डिजोल्व करते हो, पानी जैसे सोडियम क्लोराइड है, जब उसको पानी में डिजोल्व करोगे तो वो अपने आयंस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उस वो आयंस में किस तरह से डिवाइड हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव आयन में होंगे, कुछ नेगेटिव आयन में होंगे। तो ऐसे जो सब्सटेंस जो के डिसोसिएट हो जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में इनटू देयर आयंस, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट की मैंने आपको एग्जांपल बता दी है, वो आपके पास सोडियम क्लोराइड भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, HCl भी है, और आपके पास पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन भी है। आफ्टर दैट आपके पास क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। के नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंडक्ट नहीं हो सकती जब उनको पानी के अंदर डिजोल्व किया जाता है, या जब वो मोल्टन सॉल्ट की मोल्टन फॉर्म में होते हैं तो वो अपने उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। दैट्स आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, बेंजीन है, ये ऐसे हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, और ये हमारे पास क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये एक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इसके बाद हमारे पास आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि जिनमें से जिनकी बहुत ही पुअर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिनमें पुअर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या कहलाते हैं, नॉन वीक इलेक्ट्रोलाइट। जिसमें आपके पास एग्जांपल के तौर पर अमोनिया है, एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ऑर्गेनिक बेसिस है, ये सारे के सारे क्या हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट के बाद आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच गिव हाईली कंडक्टन सोल्यूशन, यानी कि जब उसमें से जब उनको किसी भी सोल्यूशन में बनाया जाता है उन सब्सटेंस की मदद से, तो उसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाईली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करें, दैट्स आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। उनमें आपके पास HCl है, H2SO4 है, NaCl है, NaOH है, ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश में भाई कोई आयरन का पीस पड़ा है, उसमें आयरन के पीस में से आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश मुसलसल उसके ऊपर पड़ती है या नमी उसको लगती रही, तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर जंग आ जाता है। ये जंग जो आता है उस आयरन के ऊपर ये नेचुरली तौर पर आ जाता है। ऐसे प्रोसेस जो कि नेचुरली जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है वो क्या कहलाते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और जो जिनमें किसी नेचर की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती बल्कि इंसानी अमल दखल हो रहा होता है, दैट्स आर नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री की जुबान में उसको हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, आ फिजिकल और केमिकल चेंज दैट अकर बाय इट्स, जिनके कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज आता है वो इट्सेल्फ अकर हो रहा हो, दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जो इट्सेल्फ अकर नहीं हो रहा, यानी कि उसमें किसी ना किसी आर्टिफिशियली तौर पर या इंसानी अमल दखल हो रहा होगा, दैट्स आर नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनमें आपके पास जो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर नहीं होता, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपको सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर होती है। जो आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है थ्रू अ कंडक्टर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज द बेसिस फॉर हाउ बैटरीज वर्क। तो इसी बेस के ऊपर हम लोगों ने ये जांचा था कि जो बैटरीज होते हैं जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस जो होते हैं उनमें किसी ना किसी सोर्स ऑफ एनर्जी का या इंसानी अमल दखल का जो किसी चीज़ की इंटरफेरेंस का इन्वॉल्व होना जो होता है वो ज़रूरी होता है। जैसे हम कहते हैं कि वाटर कैन बी मेड टू फ्लो फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल बाय यूजिंग अ पंप। सपोज आपकी ग्राउंड पे एक टैंकी ग्राउंड फ्लोर पे और एक टैंकी जो है वो सेकेंड फ्लोर पे, ठीक है। तो आप जब ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पर आप जब पानी को लेके जाते हो तो एक मोटर का यूज़ करते हो या एक पंप का यूज़ करते हो जिसकी मदद से पानी जो होता है वो ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पर जा रहा होता है। ये जो पंप की मदद से हम ग्राउंड फ्लोर से वाटर को लेके जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर पे, दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। अभी मैं आपको पॉइंट्स लिखवा देती हूँ कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप लोग ये पॉइंट्स यहाँ से स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का डिफरेंस नोट कर लें। Thank you.
हम लोग ये नोट कर लें कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के डिफरेंस क्या है। सबसे पहले है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, फिजिकल और केमिकल चेंज दैट अकर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, यहां पे आपका फर्स्ट पॉइंट है आपका फिजिकल और केमिकल चेंज दैट डज नॉट अकर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लगे इट डू नॉट रिक्वायर एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, इट रिक्वायर्स सोर्स ऑफ एनर्जी मेक देम हैपन। एनर्जी टू मेक देम हैपन। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट एग्जांपल इसकी लिखे हैं, वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। यहाँ आप इसमें कह सकते हो जो मैंने आपको अगर जिंक की एग्जाम्पल दी है कि जिंक जो है वो आयरन में किस तरह से होता है। वाटर फ्लो from water flow from lower level to higher level by using water pump। ठीक है जी, ये है आपके पास स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है कि आप फिजिकल और केमिकल चेंज दैट अकर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप फिजिकल और केमिकल चेंज दैट डज नॉट अकर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। It do not require any source of energy to make them happen. It requires source of energy to make them happen. Example में आपके पास क्या है, water flow from higher level to lower level, water flow from lower level to higher level by using water pump.
ये था कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट क्या था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, और सबसे आप इन सब के बाद आपके पास एक और है डेफिनेशन इलेक्ट्रोड्स कि व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स। बेसिकली इलेक्ट्रोड क्या है, एक कंडक्टर है जिसमें से एक सर्किट जो करता है इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है टू अ फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अदर देन अ मेटल। ग्रेफाइट रॉड्स प्रेस्ड एज इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड में जो ग्रेफाइट यूज हो रहा है, जो ग्रेफाइट रॉड होती है, रॉड्स होती है, वो क्या यूज होती है एज अ इलेक्ट्रोड यूज होती है। बेसिकली इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड इज अ कंडक्टर इन अ सर्किट दैट कैरीज इलेक्ट्रॉन्स टू और फ्रॉम अ सब्सटेंस अदर देन मैटर। इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रेफाइट रॉड जो है ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रोड। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, इंशाल्लाह कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।